दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए नंगे होकर तस्वीरें खिंचवाई थी। कहीं जमीन पर सांप की तरह नंगे लेटे हुए आए तो कहीं इस तरह से बैठे हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो इनके कपड़े ही कोई छीन कर भाग गया हो या दीपिका ने इनका दाना पानी बंद कर दिया हो, इतने उदास होकर बैठे हुए थे नंग धड़ंग होकर। तो इन तस्वीरों को लेकर इनके ऊपर FIR भी हुई, महिला आयोग ने भी शिकायत दर्ज की, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, लेकिन रणवीर सिंह को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। रणवीर सिंह ने कहा कि भैया हमारे पास पैसे आते रहने चाहिए, पैसे के लिए तो मैं बीच पब्लिक में नंगा हो जाऊंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन पब्लिक के बीच में मैं नंगा होऊंगा उन्हें जरूर आपत्ति हो जाएगी, उन्हें फर्क पड़ जाएगा। तो रणवीर ने जता दिया कि भाई पैसे के लिए वो कहीं भी नंगे हो सकते हैं, अगर पैसे के लिए इन्हें बीच सड़क पर नंगे होकर पिछवाड़े पे अगर इनके कोई डंडा भी मारे तो वो भी खाने के लिए तैयार है, क्योंकि पैसा भैया इंपॉर्टेंट चीज है। अब पेटा वालों ने भी रणवीर सिंह को अप्रोच किया है लेटर लिखकर कि भाई एक बार फिर से हमारे लिए पूरे कपड़े निकालकर नंगे हो जाओ, क्योंकि जानवरों के लिए एक अभियान चलाना है कि भाई आप जानवरों के कितने बड़े हितैषी हो। कैंपेन से लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक करना है कि आप भी शाकाहारी बन जाइए, मांस मच्छी मत खाइए, जानवरों की हत्या मत कीजिए, जानवरों की हत्या करके आप बैग्स मत खरीदिए जो चमड़े से बनी चीजें होती हैं उनका उपयोग मत कीजिए। पेटा ने बकायदा एक लेटर लिखा है जिसमें लिखा है कि आपने पेपर मैगजीन के लिए जो फोटोशूट करवाया है उसे हमने देखा है, उम्मीद है कि आप हमारे लिए भी अपनी पैंट उतारेंगे, जानवरों के प्रति लोगों में करुणा बढ़ाने के लिए क्या आप पेटा के लिए न्यूड फोटो शूट करवाना पसंद करेंगे। वैसे एक बात बता दूं कि पेटा वालों का जितना भी कैंपेन होता है ना एकदम झंडू कैंपेन होता है, इनके कैंपेन में कोई दम ही नहीं होता है। आज तक दुनिया में किसी ने इनके कैंपेन को देखकर मांस खाना छोड़ा नहीं है, आज भी लोग मांस खाते हैं, और जिनसे ये कैंपेन करवाते हैं वो तो नॉनवेज के इतने बड़े शौकीन होते हैं कि उसके बिना ये जी तक नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बॉलीवुड में भरे पड़े हुए हैं। रणवीर सिंह खुद कहते हैं कि उन्हें स्पाइसी मटन खाना बहुत पसंद है, खासकर हैदराबादी और लखनवी स्पाइसी मटन हो तो मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं पूरे दिन इसको खा सकता हूं। तो बताइए ऐसे लोगों से पेटा का कैंपेन करवाओगे, क्या हासिल करना चाहते हो और क्या साबित करना चाहते हो। दिया मिर्जा ने भी पेटा के लिए कैंपेन किया था बहुत साल पहले, सांप बनकर लेटी हुई थी बिना कपड़ों के, बदन से खून टपक रहा था, और ये जताने की कोशिश कर रही थी, उस कैंपेन का थीम था कि भाई जानवरों के चमड़े से बने चीजों का इस्तेमाल मत करो, उन्हें भी दर्द होता है। फिर उसके बाद मकर संक्रांति के लिए भी एक मैसेज देते हुए नजर आई कि पतंग मत उड़ाओ, इससे पक्षियों की जान चली जाती है। देखिए ये मैं भी मानता हूं कि पक्षियों की जान जाती है, लेकिन ये बोल कौन रहा है जो लोग खुद नॉनवेज सबसे ज्यादा खाते हैं। इनका दोगलापन कुछ साल पहले दिख गया जब बकरीद के मौके पर ये बकरा पकाते हुए नजर आई थी किचन से, और इसकी तस्वीर जो है किसी और ने नहीं खुद इन्होंने ही शेयर की थी अपने सोशल साइट पर। तो बताइए ऐसे लोगों को पेटा की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, विज्ञापन करवाए जाते हैं, कैंपेनिंग करवाई जाती है जो सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। तो पेटा वालों के दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आती कि जिनसे आप कैंपेन करवा रहे हो वो खुद ही इन चीजों को फॉलो नहीं करें। ये तो ठीक उसी तरह बात होगी कि जैसे पंचायत वेब सीरीज में शराब के खिलाफ मुहिम चलानी थी और वो बंदा शराब पीकर ही गाड़ी लेकर चला आया था पंचायत भवन में। तो सीखना चाहिए पेटा वालों को कुछ कि कैंपेन आप किससे करवा रहे हो, आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन किससे करवा रहे हो ये डिपेंड करता है।